हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रोबेबिलिटी की कुछ डेफिनेशंस हमने पढ़ी थी, जो मैंने कहा था आपको पता होनी चाहिए। जैसे इवेंट्स क्या होते हैं, ट्रायल्स क्या होते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इक्वली लाइकली एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, परस्पर अपवर्जी, समान संभाव्य और निशेषी घटनाएं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी पे जो थ्योरम्स है वो पढ़ने वाले हैं। हमारे पास दो टाइप के थ्योरम्स पढ़नी पड़ेगी हमें, जिसपे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, जो आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, एडिशन थ्योरम और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपके 11th क्लास में ये मिलेगी, ठीक है, और अगर 11th में पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। ये टॉपिक ऐसा है जो सभी में कॉमन है, 11th क्लास में, 12th क्लास में भी इसकी जरूरत पड़ती है, सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये आता है और इसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। तो दो टाइप की थ्योरम्स होती हैं, एडिशन थ्योरम एंड मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एडिशन थ्योरम, ओके। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा इसको पॉज करके, एडिशन थ्योरम। इसमें आपको जो डिजाइनिंग बनानी है वो इस तरह से बनानी है, मैं थोड़ा बता देता हूँ। हमारे पास दो टाइप के ब्लॉक बनाने हैं, इसमें फर्स्ट ब्लॉक में लिखना है व्हेन इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जब इवेंट्स क्या हों, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों, और दूसरा ब्लॉक बनाना है व्हेन इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। अब इसमें बेसिकली होगा क्या वो हम देखते हैं। तो हमारे पास दो इवेंट्स हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब देयर मस्ट बी अ कॉमन एलिमेंट एनीथिंग, ओके। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट इसमें हम डालेंगे, इफ देयर आर टू इवेंट्स ए एंड बी, If there are two events A and B, then इसका Venn diagram कैसा बनेगा? इस तरह से बनेगा, A और B, ठीक है। तो addition theorem क्या कहती है? कि probability of A union B, probability of A union B, if there are two events, चाहे तो आप लिख सकते हैं इसको साथ में या बाद में, if there are two events A and B, then according to addition theorem, probability of happening of A union B is given by the addition of their individual probability. Addition means plus of their individual probability. मतलब यदि आपके पास दो इवेंट है, दो घटनाएं हैं, तो इस योग प्रमेय के अकॉर्डिंग, योग प्रमेय के अनुसार क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, किस किस का, ए यूनियन का साइन है हमने पढ़ा था सेट में, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी के एडिशन के इक्वल होती है, ठीक है। कॉमन तो कुछ आएगा ही, तो इवेंट्स म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में ये एडिशन थ्योरम का स्टेटमेंट, अगर थ्योरिटिकल पूछे तो, थ्योरिटिकल वाले कंसेप्ट में, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड में, सेम टू सेम, ये दो इवेंट के लिए था, अब थ्री इवेंट्स की बात कर लेते हैं, ए बी एंड सी। तो इसका फॉर्मूला, इसका डायग्राम कैसा बनेगा, वेन डायग्राम कुछ कुछ ऐसा बनेगा, ए अलग, बी अलग और सी अलग, ए बी सी। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसमें एक बात और बताना भूल गया मैं, यहां यूनियन के और भी नोटेशन होते हैं ना, इसको और से भी रिप्रेजेंट करते हैं या इसको प्लस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सबका फॉर्मूला क्या होता है, एक ही होता है, पी ए प्लस पी बी, यूनियन को और से और प्लस से, सेट में हमने पढ़ाई था, ठीक है। सेकंड कंडीशन, इफ वी हैव थ्री इवेंट्स, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज गिवन बाय सम ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी, पी ए पी बी प्लस पी सी, ठीक है। अब आते हैं हम इस साइड पर कि इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे, तो फर्स्ट पॉइंट यही, दो इवेंट्स है, अगर ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इसका डायग्राम कुछ कुछ ऐसा बनेगा, ये ए बनेगा, ये बी बनेगा और कुछ ना कुछ कॉमन होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या कहता है, ए
यूनियन बी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस, याद है हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था सेट में, कार्डिनल नंबर्स पढ़ने के बाद ये फॉर्मूले बनाए थे कैसे डिराइव होते हैं, तो वहां पर एन हटा के पी कर देना, सेम टू सेम यही फॉर्मूले बनेंगे। तो एन की जगह क्या कर देंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कॉमन वाला एलिमेंट हटा देना है। अगर हम इसको और से रिप्रेजेंट करेंगे या से, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, या, तो यहां पर क्या आएगा ए एंड बी। और अगर हम इसको प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या होगा, पी ए प्लस पी बी, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट से। ठीक है, अब जैसे क्रिकेट और टेनिस प्लेयर की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेनिस और क्रिकेट प्लेयर, टी और कॉफी ड्रिंकर्स, इंग्लिश और हिंदी रीडर, तो इस तरह से ये पूछेगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं यूज कौन सा करना है इसमें से। सेकंड कंडीशन, अगर तीन इवेंट्स हो ए बी एंड सी, तो इसमें क्या आएगा आपके पास, इस तरह का डायग्राम बनेगा। ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ओ ये तो मेरे को याद ही नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको जरूर याद है, हमने सेट में ये फॉर्मूला बनाया है, तो यह फिल इन द ब्लैंक से ये फॉर्मूला आपको लिखकर मेरे को भेजना है, ये फॉर्मूला मैं नहीं बता रहा। ठीक है, अगर तीन होंगे तो ऐसा होगा। अब देखिए प्रैक्टिकली हमें करना क्या है, ये तो कंसेप्ट हो गया कि दो थ्योरम्स होती हैं, दो एडिशन थ्योरम में दो केसेस बनते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाले और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाले। लेकिन जब भी आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, आपको हमेशा यही कह सोचना है कि जरूर कुछ ना कुछ कॉमन होगा, हमेशा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आपको ये वाला ही केस सोचना है, कॉमन होगा तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, कॉमन नहीं होगा तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, और जीरो होते ही क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, आपको एडिशन थ्योरम में ये ध्यान रखना है। इसके क्वेश्चन हम करेंगे, पहले हम मल्टीप्लीकेशन थ्योरम भी साथ के साथ पढ़ लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन हम एक साथ सॉल्व करेंगे। ओके, पॉज करके नोट कर लीजिए इसको। ओके, अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, लेकिन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को समझने से पहले हमें दो इवेंट समझने पड़ेंगे। दो इवेंट्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट इवेंट्स, स्वतंत्र घटनाएं, और दूसरी डिपेंडेंट इवेंट्स, आश्रित घटनाएं। ठीक है, जब आज ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो इसके कुछ दिनों बाद ही इंडिपेंडेंस डे है, 15 अगस्त। ठीक है, तो हमें दो इवेंट्स पढ़ने हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, डिपेंडेंट मतलब डिपेंडेंसी। अब कैसे, तो इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, उसके बिहाव पर हम इसको समझते हैं, फिर हम थ्योरम पढ़ेंगे। ओके, हम क्या कर रहे हैं, एक बॉक्स ले रहे हैं, इसमें रेड कलर की बॉल्स हैं वो 6 हैं, ग्रीन कलर की बॉल्स हैं वो 5 है, और ब्लैक कलर की बॉल्स हैं, रेड सॉरी ब्लू ले लो, हाँ चलो रेड ग्रीन और ब्लैक, ये कितनी आपके पास 4 है। ठीक है, यहाँ पर भी हम सेम टू सेम बॉक्स ले रहे हैं एक, इसमें भी रेड कलर की कितनी बॉल्स हैं 6, ग्रीन कलर की कितनी बॉल्स हैं 5, और ब्लैक कलर की कितनी बॉल्स हैं आपके पास 4 बॉल्स हैं। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की निकालनी है, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, 1 red and 1 green and 1 black बॉल की। यहाँ पर भी हमें क्या फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी किसकी, 1 red and 1 green and 1 black बॉल की, दोनों केसेस में सेम टू सेम प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे करते हैं। प्रोबेबिलिटी का हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, फेवरेबल अपॉन टोटल, तो यहां पर टोटल बॉल्स कितनी है 6 और 5 11 और 4 15, यहां पर भी टोटल बॉल्स कितनी है
15। चलिए पहले ये वाला केस करते हैं। तो बारी आती है रेड बॉल की, तो वन रेड बॉल निकालने के फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, टोटल रेड बॉल्स कितनी है 6, तो फेवरेबल आउटकम्स 6 आउट ऑफ 15। लेकिन ये निकालने कितनी बॉल है आपको, एक रेड बॉल, कितनी रेड बॉल है एक। तो अगर आपको एक का सिलेक्शन करना हो, किसका सिलेक्शन करना हो, वन का, तो वन का सिलेक्शन जब भी आपको करना होगा तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, 6/15। लेकिन अगर आपको दो का सिलेक्शन करना हुआ तो डायरेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सिलेक्शन के लिए क्या लगता है, कॉम्बिनेशन लगता है। सिलेक्शन के लिए क्या लगता है, कॉम्बिनेशन। जैसे देखिए इसके पीछे का राज क्या है कि वन का सिक्स बॉल, सिक्स रेड बॉल्स में से हमें क्या चाहिए, वन रेड बॉल। तो इसका प्रोसीजर होगा 6c1 आउट ऑफ 15c1। और 6c1 की वैल्यू कितनी आती है, 6 ही तो आती है, 15c1 की वैल्यू कितनी आती है 15। इसलिए 1 के सिलेक्शन में आप डायरेक्ट लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर 2 बॉल्स को विड्रॉ करना है, 2 बॉल्स का सिलेक्शन करना है, तो फिर आप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, आपको कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा 6c2 आउट ऑफ 15c2। ये फैसिलिटी ओनली 1 के सिलेक्शन के लिए है, ठीक है। तो ऐसे हो गया ये, ओके। अब हमने क्या किया इस केस में, जो एक रेड बॉल निकाली इसको वापस इसमें मिक्स कर दिया, निकाल ली थी वापस मिक्स कर दिया। अब बारी किसकी आई, ग्रीन बॉल की, तो वन ग्रीन के फेवरेबल आउटकम्स 5, टोटल आउटकम्स 15, ठीक है। इसको भी हमने क्या कर दिया, इसमें मिक्सअप कर दिया, वापस डाल दिया। अब किसकी बारी आई, वन ब्लैक बॉल की, अब ब्लैक बॉल के फेवरेबल आउटकम्स 4 आउट ऑफ 15। क्यों, क्योंकि जैसे बॉल हमने इसमें डाली 14 ले गई थी, बॉल मिक्स करी वापस 15 हो गई, फिर निकाली 14 ले गई थी, वापस मिक्स करी 15 हो गई। अब देखो हमें यहाँ क्या लिख रहा है, एंड। एंड का मतलब क्या हुआ, हमें रेड भी चाहिए एंड ग्रीन भी चाहिए एंड ब्लैक भी चाहिए। एंड का मतलब सारे काम एक साथ करने हैं। तो हमने परम्यूटेशन में क्या पढ़ा था, डिफरेंट वर्क डन टूगेदर देन मल्टीप्लाई, क्या, डिफरेंट वर्क डन टूगेदर देन मल्टीप्लाई। तो इन सबको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं अभी इसको सी वाले को मिटा रहा हूं, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें वन रेड एंड वन ग्रीन एंड वन ब्लैक बॉल की रिक्वायरमेंट थी। तो मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि डिफरेंट वर्क डन टूगेदर। अब आते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स पर, मतलब इस वाले केस पर। तो यहां पर वही वन रेड निकाली हमने, तो वही फेवरेबल आउटकम 6 आउट ऑफ 15, ठीक है। अब किसकी बारी आई, ग्रीन बॉल की, तो वन ग्रीन निकाली, लेकिन यहां क्या किया, यहां बॉल को मिक्सअप कर दिया था, यहां नहीं करा, हमने इसको बाहर ही रख लिया, अंदर मिक्स नहीं किया। तो ग्रीन के फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 5। अब बॉल्स कितनी बच रही हैं, ऑप्शन 6 थे लेकिन निकाली तो एक ही ना, तो एक बॉल कम हो गई, तो पहले 15 थे, अब कितने रह गए यहां पर, 14। अब इसको भी हमने बाहर रख लिया। अब बारी किसकी आई, ब्लैक बॉल की, तो वन ब्लैक, तो अब दो बॉलें बाहर हो गई ना, तो ब्लैक के फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 4 आउट ऑफ 13। और वही एंड, एंड डिफरेंट वर्क डन टुगेदर देन मल्टीप्लाई, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। अब दोनों केसेस के जो एग्जांपल्स हैं उसमें क्या हुआ, यहाँ टोटल आउटकम्स 15 थे, यहाँ भी 15 थे, यहाँ भी 15 थे, दोनों में टोटल आउटकम्स 15 थे। इस इवेंट का इफेक्ट इस पर नहीं पड़ा, 15 रहा। इन दोनों इवेंट्स का इफेक्ट इस पर नहीं पड़ा, यहाँ भी 15 रहा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा आपके पास, देखो यहाँ 15 था ना, जैसे ये इवेंट कंप्लीट हुआ यहाँ 14 हो गया, मतलब इसका इफेक्ट इस पर पड़ गया। इसका मतलब ये कि इस इवेंट का इफेक्ट इस पर आया, और इन दोनों की वजह से यहाँ 13 हो गया, तो इन दोनों इवेंट का इफेक्ट नेक्स्ट इवेंट पर आया, अगले वाले पर। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स की डेफिनेशन इतनी सी है कि अगर पर्टिकुलर इवेंट्स आपस में कोई इफेक्ट ना डाले एक दूसरे पर, देट आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, और अगर पहले वाले इवेंट आगे आने वाले इवेंट्स को इफेक्ट डालें तो देट इज इंडिपेंडेंट इवेंट्स, आश्रित घटनाएं, ठीक है। आप इस एग्जाम्पल को नोट कर लीजिएगा, जब भी इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान रखना हम हमेशा डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट हो जाएंगे। देखो अभी हमने मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ही लगाई है, लेकिन अभी तक हमने स्टेटमेंट नहीं पढ़ा है, हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और ये कॉम्प्लिकेटेड 3 इवेंट्स वाले क्वेश्चन सॉल्व कराए। तो देखो हमें थ्योरम पता भी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने सॉल्व कर लिया। तो ध्यान रखना प्रोबेबिलिटी में जो थ्योरेटिकल
थ्योरेटिकल कंसेप्ट है वो अपनी जगह है, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्ट होने के चांसेस रहेंगे, हमेशा डायरेक्ट हो जाते हैं। जरूरी कि आप हर बार फॉर्मूला ही ध्यान रखें, बिना फॉर्मूले के भी क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। चलो आइए हम पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। वही हमने दो ब्लॉक बना लिए, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स। तो एडिशन थ्योरम की तरह ही यहाँ पर हम पहले क्या रहते हैं, दो इवेंट्स ए एंड बी, ये दोनों आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या कहती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट बी इज गिवन बाय, If events are independent, then probability of A intersection B is given by the multiplication of their individual probability. उनकी अलग अलग probabilities के multiplication के equal होती हैं। अगर तीन events होंगे तो क्या होगा, A, B and C, तो formula क्या बनेगा, A intersection B intersection C, तो क्या होगा, पी ए डॉट पी बी डॉट PC। और जो भी थोड़ी देर पहले हमने एग्जाम्पल किया था वो क्या था, तीन इवेंट का था ना, रेड एंड ग्रीन एंड ब्लैक, तो ये वाला एग्जाम्पल हमने किया था। तो देखो फॉर्मूला अभी पढ़ा है, क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, मजा इधर आएगा। डिपेंडेंट इवेंट्स, दो इवेंट्स ले लीजिए A एंड B, तो A इंटरसेक्शन B मतलब वही A एंड B या A डॉट B की प्रोबेबिलिटी। अब देखो यहां पर डिपेंडेंट है ना, तो सपोज करो पहले इवेंट कौन सा हो रहा है, A हो रहा है। अब जो इवेंट B होगा वो A के बाद होगा ना, तब उसको दिखाना कैसे पड़ेगा, उसका नोटेशन अलग होगा कुछ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले A हो चुका है तो B होगा, तो इसको क्या लिखेंगे, B अपॉन A, क्या लिखेंगे, B अपॉन A, क्या लिखेंगे हम इसको, B अपॉन A लिखेंगे। और जब इसको B अपॉन A लिखेंगे तो क्या करेंगे इसको, इसका मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ happening h a double p e n i n g, probability of happening of कौन सा event, event b when a has completed, मतलब b के happening की probability जब a already हो चुका हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, B अपॉन A। अब जरूरी तो ना A पहले हुआ हो, सपोज करो अगर B पहले हुआ होगा तो इसको क्या लिखेंगे, PB into क्या कर देंगे, A अपॉन B, मतलब जो ऑलरेडी हो चुका है उसको अपॉन में डाल देंगे। लेकिन हमें फॉर्मूला पढ़ना है तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये तो था दो इवेंट का। अब तीन की बात करते हैं, अगर तीन इवेंट्स हमारे पास अवेलेबल है A B एंड C, तो यहां पर फॉर्मूला क्या होगा, A एंड बी एंड सी। तो सबसे पहले किसका नंबर लगाते हैं, ए का, पहले कौन हो रहा है, ए, अब किसका नंबर आएगा, बी का, तो मैं क्या लिखूं, बी अपॉन ए, बिल्कुल सही। अब देखो अब किसका नंबर आएगा, सी का, तो क्या लिखेंगे, पी सी, लेकिन किसके होने के बाद हो रहा है, सी, ए के एंड बी के, मतलब सी कब कंप्लीट हो रहा है, जब ए एंड बी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसका नोटेशन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, थ्योरेटिकली अगर हम समझेंगे तो क्या समझेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट सी व्हेन ए एंड बी हैज कंप्लीटेड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो तीन इवेंट, अब देखो हमने जो एग्जांपल किया था वो ये वाला किया था, रेड ग्रीन एंड व्हाट डिपेंडेंट वाला। तो देखो फॉर्मूला कितना डरावना है, लेकिन क्या हमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ी, क्या नहीं पड़ी, तो इसलिए ध्यान रखना। मैंने कहा था आपके मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे, आपको फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट कम पड़ती है। तो आज हमने डिस्कस किया एडिशन थ्योरम एंड मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको अभी भेज दूंगा, वो आपको सॉल्व करने हैं।